जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर ओवरसीर की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं इसके जो फॉर्म है तो 16 जुलाई 2022 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और 14 अगस्त 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपको यहां पास देखने के लिए मिल जाएगा सब इंस्पेक्टर ओवरसीर की पोस्ट यहां निकाली गई है। टोटल 35 पोस्ट यहां निकाली गई हैं जिसमें फिर मेल कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट निकाली गई हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी महिला कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा पे स्केल यानी वेतन, तो 35,400 रुपये से लेकर 112,400 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। इसके बाद एज की बात करें तो 20 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? यदि आप 10वीं पास हैं और डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले आपका यहाँ पास पीईटी होगा, दौड़ होगी आपकी। तो मेल कैंडिडेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो 100 मीटर की दौड़ होगी, 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी और 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 100 मीटर की दौड़ होगी, 18 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा और 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, यदि आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम आपका यहाँ पास 200 नंबर का होगा जिसमें फिर एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग सिविल से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, 160 प्रश्न रहेंगे, 160 नंबर के, हर एक प्रश्न एक नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर के। तो टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का और 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पास मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पास रिटर्न एग्जाम में जो आप नंबर पाते हैं उसके बेस पर तैयार की जाएगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर पुरुष कैंडिडेट के लिए रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पास फीना जो है तो 80 सेंटीमीटर रखा गया है और बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए हाइट जो है तो 165 सेंटीमीटर रखी गई है पुरुष कैंडिडेट के लिए और महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सीना वही है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।